में कैंसर खास करके दो जगह का होता है, सर्विक्स का होता है और ब्रेस्ट का होता है। तो इसी दोनों का जांच जो है उस दिन 8 मार्च को हम लोग यहाँ पर इसी लायंस क्लब में लगाने जा रहे हैं। तो उसमें जो है उन लोग को बताना है, मेन यही बताना है कि कैंसर क्यों होता है और इससे बचाव, मैंने इसीलिए जागरूक करना है उन लोग को इससे हम लोग कैसे बचें। तो मेन है कि जो अर्ली मैरिज होता है तब तो वो चीज़ ख़त्म हो गया, फिर भी जो लोग अभी भी हो ही जाता है अर्ली मैरिज, तो अर्ली मैरिज वाले को जो इस तरह का बीमारी होता है। और दूसरा है कि मल्टी, मैंने मान लीजिए कि उसका हस्बैंड से नहीं और से रिलेशन रहे तो उसको होता है। और तीसरा है कि स्मोकिंग जो महिलाएं करेगी उसको होगा। चौथा है कि मान लीजिए कोई कोई बच्चा नहीं रहने की जो पिल्स खाती है तो पिल्स में है जो बहुत दिन तक 5 साल तक खाएगी उसको भी ये बीमारी कैंसर का होता है। तो ऐसे हालत में इस सबको जागरूक करना है इसके प्रति, ये सब चीज़ से बचें। जिससे मान लीजिए किसी को महिला को हो ही गया बीमारी तो उसी के लिए उस दिन जो है जांच है, वो जांच को हम लोग बोलते हैं पैप स्मियर। पैप स्मियर क्या है कि सर्विक्स से हम लोग जो है उसका जो सिक्रीशन है उसको ले करके और जाँच करवाएंगे। तो वो भी जांच भी फ्री है और जांच जो हम कराएंगे वो भी फ्री है, लेकिन सिर्फ पुलिस महिलाओं के, पुलिस कर्मी के महिलाओं को ही किया जाता है। क्योंकि कि उस दिन जो है सुमन जी देश का रक्षा तो भी पुलिस लोग कर रहे हैं, हम लोग का भी रक्षा वही करते हैं, तो रक्षा वो लोग करते हैं तो उनके परिवार को हम लोग को रक्षा करना है। इसीलिए पहले हम लोग पुलिस लाइन को चुने हैं और उसके बाद जो है देखेंगे, हो सकता है कि दूसरे फेज में आम पब्लिक को भी किया जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर पर जो है सो सैनिक में जो लोग हैं, हाँ सैनिक में भी जो है उनके भी जो मान लीजिए कि उनको तो घर आने कम छुट्टी मिलता है, कम आते हैं, तो उनके परिवार को भी हम लोग को देखना है, उनका भी जांच कराना है। और ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है उस पर मैंने क्या हम लोग को करना है उस दिन, उस पर विनीता सिन्हा थोड़ा बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम लोग सब फोक्सी के मेंबर्स हैं, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक हम लोग का संघ है। तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन हम लोगों ने सोचा कि एक विशेष कार्य इस संस्था के द्वारा हो, तो उस डेट को हमने 8 मार्च रखा है। उसमें किन महिलाओं को हमने बुलाने का प्रयास किया है, हमारा सबसे पहला ध्यान सुरक्षा बल की तरफ गया, पुलिस कर्मियों की तरफ गया। वो लोग सब बाहर काम करते हैं, उनकी महिलाएं, उनकी बच्चियां या वो पदाधिकारी जो कि पुलिस में हैं या सुरक्षा बल में हैं, उनके परिवारगण, वो लोग क्या होता है कि चिकित्सा से महरूम हो जाते हैं। तो उनको हम लोगों ने खासकर यहाँ पर इन्वाइट किया है पहले, कि पहले हम उनको चेकअप करें। उसमें खासकर दो चीज़ हमने, दो लक्ष्य रखा है। पहला लक्ष्य है कि स्तन का कैंसर जो कि बहुत छुपा हुआ रहता है, पता नहीं लगता है, प्लस बचदानी का कैंसर जो कि छुपी हुई बीमारी है, लोगों को पता नहीं लगती है, उनके पति उनके परिवार के लोग बाहर सुरक्षा में हैं। तो महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बुला के उनका चेकअप करें, अगर किन्हों में कोई बीमारी पकड़ाती है तो उसको सही ढंग से उसका इलाज किया जाए, अगर नहीं पकड़ाती है तो उन्हें अवेयरनेस लाया जाए कि आप किस प्रकार बार बार डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं, ताकि वो बीमारी उनको पता लगे है कि नहीं है, और अगर है तो उसका क्या इलाज हो सकता है। तो हमारे शिविर का मेन यही लक्ष्य है। और खासकर अभी हमने सुरक्षा बल में जो जवान लोग हैं तैनात, प्लस उनके परिवार, उनकी महिलाएं और पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, उनके परिवार को हमने खास इस लक्ष्य, इस शिविर के लक्ष्य में मेन बनाया है कि इनको हमें सबसे पहले चेकअप में लाना है, और सबसे पहले इनका हमें चेकअप करना है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर और बचदानी का कैंसर, यही दोनों का चेकअप 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोगों ने रखा है लायंस क्लब सेवा सदन में। यही स्थान हमारा रहेगा, सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ चेकअप के लिए रहेंगे। फर्स्ट फेज में मतलब ये सेना में जो लोग हैं, सेना में और पुलिसकर्मी, हाँ उनके परिवार और महिला पुलिसकर्मी, महिला जवान उनके परिवार या महिला या पदाधिकारी कोई इसमें हैं पुलिस CRPF में, इसमें महिला पदाधिकारी है या उनका भी परिवार है या उनके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि नहीं मैंने जॉब में, हाँ इसका पता लगा पाते हैं बीमारी का, क्योंकि उनके परिवार के लोग बाहर सेवा में लगे हैं, उनके पास समय नहीं है अपनी पत्नी को अपनी बच्चियों को समय देने के लिए। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने उन्हें टारगेट किया है कि उन्हें सबसे पहले हम अपने पास बुलाएं, उनकी सेवा करें, उनको चेकअप करें कि उनको कोई बचदानी में बीमारी है कि नहीं, स्तन में कोई बीमारी है कि नहीं, या होने की संभावना है कि नहीं, या आगे नहीं हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो अवेयरनेस हम उनको बताएंगे उस दिन।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमने ये पुनीत कार्य करने का हम लोगों ने फैसला लिया है, जो कि 8 मार्च को यहाँ पर होने वाला है लायंस क्लब फाउंडेशन सेवा संस्था। एज भी 65, 30 वर्ष की महिला है, 30 से ऊपर वाली सब है।